हेलो गाइस, आज आपको पता चलेगा कि ये काम जो कैसी स्किन में घुसता है और क्या एक एफिड जो पौधों का रस चूसता है वो भी ऐसा कर सकता है। और आपको देखकर यकीन नहीं होगा कि कैसे कुछ सूक्ष्म जीव बड़ी खूबसूरती से मरते हैं। ये काम सिट्रिक एसिड है जो सफेद प्रिज्म जैसा दिखता है और ये चीनी के जैसा होता है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा सिरका मिला दें तो सब कुछ बदल जाता है। क्रिस्टल सिरका के साथ रिएक्ट करते हैं और एक इंद्रधनुषी रंग में बदल जाते हैं। कभी कभी ये कुछ अंतरिक्ष के तारों और धूमकेतु जैसे दिखते हैं। गैस से बने बुलबुले इसमें चार चांद लगा देते हैं और ये क्रिस्टल एक छोटे नींबू जैसा दिख रहा है। आखिरकार ये सिट्रिक एसिड जो है, हम एक आम जोक को करीब से देखना चाहते थे। खैर, ये इतना भी आम नहीं है, ये मेडिकल वाला है। इन्हें इंसानी स्किन पर रखा जाता है ताकि ये खून चूस सके, जो काफी हद तक केंचुए की तरह चलता है। सिर्फ केंचुए के दोनों सिरों पर कोई खास सक्शन कप नहीं होती, जबकि जोंक में होती है। कभी कभी ये इतना ज्यादा खून चूसता है कि इसे निकालना नामुमकिन हो जाता है, और इसकी स्किन इतनी मजबूत होती है कि किसी बड़े इंसान के कदम रखने पर भी ये जिंदा रहता है। और ये है इसका खास हथियार। इन तीन खांचों के बीच तीन नुकीले ब्लेड हैं, जो ताजा खून पीने के लिए स्किन को काटते हैं। वैसे एक बार हमारे पेट और चेहरे पर चार जोक चढ़े थे, और वो बड़े मुश्किल पल थे। उनके काटने के बाद खून बिना रुके 12 घंटे तक बहता रहता है, और उनके दांतों के निशान काटने के एक साल बाद तक दिखाई देते हैं, या शायद हमेशा ही रहते हैं। आपने कभी कुछ पौधों के तनों पर ऐसे काले धब्बे देखे होंगे? नहीं, ये फफूंद नहीं है, ये एफिड नाम के कीड़ों की एक बड़ी कॉलोनी है। कॉलोनी में सैकड़ों या हजारों छोटे जीव होते हैं जो अपनी सूंड से तने को छेदते हैं और उसका रस चूसते हैं। ये एक मादा एफिड है और ये एक नन्हा एफिड है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये माएं लगातार संतानों को जन्म देती रहती हैं। आपको क्या लगता है कि नए एफिड्स कितनी बार जन्म ले सकते हैं? नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर दिन भी नहीं, बल्कि लगभग हर घंटे। आप कहें तो हम एक नए एफिड के जन्म को फिल्माने की कोशिश कर सकते हैं। इस बच्चे को देखिए, ये पौधे से रस चूसने के बजाय मजे से नाच रहा है। कॉलोनियां कई प्रजातियों की हो सकती हैं, जैसे कि ये लाल वाले एफिड्स हैं। वैसे इनकी सूंड को देखना बहुत आसान है, जिससे ये रस चूसते हैं। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि इन एफिड्स के पास चींटियां क्या कर रही हैं? ये यहां क्यों घूम रही हैं? शायद ये इन्हें खाती हैं? नहीं, ये यहां इन्हें शिकारियों से बचाने के लिए है, और एफिड्स इन्हें इसके बदले एक खास सिरप पिलाते हैं। हम इस प्रोसेस को काफी वक्त तक नहीं फिल्मा पाए, लेकिन एक घंटे के बाद हमें कामयाबी मिली। जब चींटी को भूख लगी तो उसने अपनी मूंछों से एफिड्स को मालिश करना शुरू कर दिया, और इसने इसे सीधे पीछे के छेद से एक मीठा सिरप दिया। पर क्या करें, ये सिरप बहुत ही पौष्टिक होती है और चींटियों की जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। ये देखा आपने, ये बूंद एक सिरप है। एक साल में चींटियां एक एफिड कॉलोनी से इस सिरप को 5 लीटर तक निकाल सकती हैं। कुछ मादाओं के पास किसी और जगह पर उड़ान भरने और वहां एक नई कॉलोनी बनाने के लिए पंख होते हैं। हमने देखा कि हर चींटी एफिड्स का एक छोटा झुंड कंट्रोल करती है, जिसमें वो एक चरवाही की तरह काम करती है। पहले उन्हें खाना देती है और फिर उनसे सिरप निकालती है। लेकिन चींटियां इन्हें किससे बचा रही हैं? दरअसल खूबसूरत लेडी बग एक खूंखार शिकारी है जो एफिड कॉलोनियों पर हमला करते हैं। ये लेडी बग एक पत्ते पर छिप गया जिसके नीचे कुछ एफिड्स बैठे हैं। वो नीचे की तरफ गया और उन्हें खाना शुरू कर दिया। चींटी कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके काटने से लेडीबग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
तभी एक दूसरी चींटी मदद के लिए आई। लेकिन लेडीबग बहुत मजबूत होते हैं और पीछे नहीं हटना चाहते। ये अक्सर तभी उड़ते हैं जब पेट पूरी तरह से भर जाए, जिसके लिए इसे 10 एफिड्स खाने होंगे। शायद इसी वजह से चींटियां अक्सर पौधे के तने पर मिट्टी से छोटे छोटे किले बनाती हैं। एफिड्स के चारों ओर बनी दीवारों में छोटी खिड़कियां होती हैं, जिनमें से लेडीबग घुस नहीं पाएगा। हम सोच रहे थे कि क्या एफिड्स इंसान की स्किन काट सकते हैं और क्या वो ऐसा करेंगे। हमने अपनी उंगली पर इन्हें रखा और पता है कभी कभी हमें डंग महसूस हो रहा था। शायद कोई एफिड मेरी स्किन पर काटने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन हम टहलने के लिए एक छोटी सी झील पर गए और पानी का नमूना लेने के लिए अपने साथ एक छोटा कंटेनर ले गए। हमने सोचा कि हमें इसमें कम से कम कोई जिंदा जीव तो जरूर मिलेगा। हमने उनके आराम से रहने के लिए कुछ पौधे भी डाल दिए। हमने माइक्रोस्कोप के नीचे पानी की बस एक बूंद डाली और पहली चीज जो हमें दिखी वो था शैवाल में फंसा एक कीड़ा। हम उसकी मदद करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत छोटा था और अगर हम उसे बाहर निकालते तो वो मर जाता। जब हमने इसे और पास से देखा तो हमने पाया कि इसके अंग कितने अच्छे से लगे हुए हैं और अब आप कुछ बहुत ही अलग देखेंगे। हालांकि शुरुआत में कुछ खास नहीं था, ये एक स्लीपर एनिमल क्यूल है। आपने शायद इसके बारे में स्कूल की बायोलॉजी क्लास में पढ़ा होगा लेकिन अचानक सब कुछ समझ से बाहर होने लगा। इसके पूंछ वाले हिस्से पर ध्यान दीजिए, इसके शरीर के टुकड़े इससे अलग होने लगे हैं। आखिर हो क्या रहा है? और अब वही चीज दूसरे छोर से भी हो रही है। ऐसा कुछ ही मिनटों में हो गया और स्लीपर अपने शरीर के दो अच्छे टुकड़े खो चुका है। ये क्यों हो रहा है? ये तो मेरी समझ से बाहर है लेकिन शायद एक स्लीपर की मौत ऐसे ही होती है। हालांकि दूसरी ओर हमें मौत की वजह नहीं समझ आ रही क्योंकि अभी भी ये स्वस्थ है और काफी तेजी से चल रहा है। शायद इन्हें ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है, ये थोड़ी देर बाद मर जाते हैं और हमारे मामले में ये बहुत ही अलग और देखने लायक लग रहा है। ये एक स्पेसशिप के क्रैश होने जैसा दिख रहा है जिसके टुकड़े बर्बाद होते वक्त टूटते रहते हैं और तभी इसका छोटा सा हिस्सा रह गया और ये स्लीपर स्पेस में अभी भी घूम रहा है। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ये एक रोड़े से टकराते ही हमेशा के लिए स्पेस में घुल गया और अपने शरीर को बाकी जीवों के खाने के लिए छोड़ गया। ऐसा लगता है कि ये किसी फैंटेसी फिल्म का कंप्यूटर ग्राफिक्स है, एक सफर का अंत जिसे हमें आपके साथ देखने का मौका मिला।